दोस्तों, आईपी एड्रेस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, पर क्या आपने मैक एड्रेस के बारे में सुना है? तो देखते रहिए इस वीडियो को, आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित, आप देख रहे हैं टेक नंदन। लेट स्टार्ट। दोस्तों, मैक एड्रेस जिसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दोस्तों इसको फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। यह सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्किंग डिवाइस के लिए एक यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक ऐसा नंबर है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर में लगे नेटवर्क एडाप्टर को पहचाना जा सकता है। दोस्तों, मान लो एक रूम में 3 कंप्यूटर हैं जो एक वाईफाई राउटर से कनेक्ट हैं और उनमें अलग अलग वर्क हो रहा है। किसी में डाउनलोडिंग चल रही है, किसी में वेब सर्फिंग चल रही है और किसी में ऑनलाइन वीडियो देखी जा रही है। दोस्तों, हम जानते हैं इंटरनेट पर डेटा पैकेट्स के रूप में ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों, अब अगर कोई कंप्यूटर सर्वर से डेटा पैकेट की रिक्वेस्ट करता है, तब राउटर मैक एड्रेस की वजह से ही समझ जाता है कि रिक्वेस्ट किस कंप्यूटर ने की है या डेटा पैकेट्स किस कंप्यूटर को रीडायरेक्ट करना है। दोस्तों, मैक किसी भी डिवाइस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, फ़ोन के हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। मैक एड्रेस में 2 कैरेक्टर के 6 सेट्स होते हैं। प्रत्येक सेट्स कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। ट्रेडिशनल मैक एड्रेस 12 डिजिट यानी कि 6 बाइट्स या 48 बिट्स के हेक्स डेसिमल नंबर का होता है, जो 2-2 के पेयर में होता है। यह 3 फॉर्मेट में लिखा जाता है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मैक एड्रेस के पहले 6 डिजिट से मैन्युफैक्चर को पहचानते हैं, जिसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर कहा जाता है। बाकी के 6 डिजिट नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैन्युफैक्चर द्वारा असाइन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ कुछ फेमस मैन्युफैक्चर के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर डिजिट्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दोस्तों, बस फिलहाल के लिए ही इतना इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।